Welcome back, students, to e-learning platform Gyanmantra Vidyapeeth Online Education. Students, in today's video lecture, we are going to discuss the topic of grammar, and that is punctuate the paragraph. Students, in last video lecture also, we discussed some of the points from this topic, and today we are going to continue this. So, the today topic we are going to discuss, the first one is कॉलन, दैट इज द काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क दैट इज गिवन हियर. बिसाइड्स दैट, आपको यहाँ पे उसका जो पंक्चुएशन है उसका साइन भी उसके पास में दिया गया हुआ है. सो द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द कॉलन. द कॉलन इज यूज टू शो दैट समथिंग इज टू फॉलो. फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ वर्ब इन इंग्लिश आर द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द participle. It means here it is said about the principle of English verb. For example, the present tense, the past tense and the future tense, past participle, this are the things here. मतलब हमें यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि जब भी कोई चीज़ follow करनी होती है तब उसके लिए ये कॉलन का साइन यूज़ करना होता है. कोई वगैरह इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया हो तो भी उसके शुरू करने से पहले उसका जो मेन सेंटेंस होता है उसके पहले ऐसे कॉलन का साइन होता है. यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है, दैट इज़ द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ वर्ब इन इंग्लिश आर, मीन्स कि इंग्लिश में है जो वर्ब का जो है वो मेन पार्ट है, जो प्रिंसिपल पार्ट है, जो उसका जो मेन एस्पेक्ट है वो ये है. सो इट मीन्स यहाँ पे आप मेन पॉइंट है उसके बारे में कुछ बोलते हो कि दिस आर द थिंग्स एंड इट विल बी लाइक दैट. सो वो आप जब उसे मेंशन करने की कोशिश करते हो तो आप उसकी जगह पे पंक्चुएशन पे आप कॉलन यूज कर सकते हैं. सो इट इज अबाउट दिस थिंग कॉलन. फॉर एग्जाम्पल, आप जब एग्जाम में ऐसे राइट करते हो कि मेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थिंग आर गिवन हियर, देन उसके बाद आप कॉलन की साइन करते हो. इट मीन्स ये जो सारी चीज़ें हैं वो अभी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है. यू मीन टू से लाइक दिस हियर. नाउ इट इज डैश. द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज द डैश और उसका साइन यहाँ पे आपको दिया गया है. लेट्स सी अबाउट डैश. The dash is used to make an abrupt stop or change of thought. For example, if my husband were alive, but why lament the past? यहाँ पे माई हस्बैंड के बाद आपको ये एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होना चाहिए कि यहाँ पे was क्यों यूज नहीं किया गया है, but why it is used verb, because it is all about the imaginary thing और यहाँ पे एक strong imagination का aspect आ जाता है. so इसके लिए हम husband एक singular word है, फिर भी उसके बाद हम was नहीं use कर सकते और उसका ये rule है, इसलिए हमने ये verb use किया है. so we are going to discuss about the usage of dash, कि dash हम कब use कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि when an abrupt stop और चेंज ऑफ थॉट, जब कोई चेंज आता है थॉट में यहाँ पे, या फिर कोई उसमें ऐसी कोई ऐसे ब्रेक आ जाता है तो हम वहाँ पे डैश यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस में इट इज सेड दैट इफ माय हस्बैंड वर अलाइव, सो दैट इज द काइंड ऑफ वन थॉट एंड नाउ देन द अनदर थॉट विल बिगिन, बट व्हाई लैमेंट द पास्ट. सो यहाँ पे सडनली उसके बाद पास्ट की बात की गई है. सो हियर इट इज़ अबाउट द चेंजिंग द थॉट. फर्स्ट उसने ऐसे सोच लिया कि हस्बैंड के अलाइव होने की बात, और फिर भी उसने इमिडिएटली उसके बाद उसने तुरंत ही ऐसे सोच लिया इट इज़ अबाउट द पास्ट. सो यहाँ पे दो थॉट्स है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से है, उसमें बहुत ही हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, एंड दैट्स वाई वी हैव यूज द पंक्चुएशन डैश. ही हैज़ यू मे not believe it fate. यहाँ पे he has or you may and not believe it or fate. यहाँ पे इस तरीके से हमें words दिए गए हैं कि जो कि एक दूसरे के साथ contrast present करते हैं. then it is very easy. exclamation mark वो तो आप सभी को अच्छी तरीके से आता ही है, I think. and the
एज यू नो स्टूडेंट्स दैट एक्सक्लेमेशन मार्क मेजोरिटी यूज मोस्टली एक्चुअली इट इज यूज फॉर एंड वेन एवर यू फाइंड द काइंड ऑफ थिंग्स द एक्सप्रेशन वैन यू बिकम सरप्राइज्ड और वैन यू बिकम वेरी शॉक स्केर्ड और सडन एक्सप्रेशन वेन एवर यू फाइंड सो इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज एंड इन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स यू कैन मेक दिस एक्सक्लेमेशन मार्क The exclamation mark is used after interjection. Students, हमें पता है जब हमने लोगों ने इसका discussion शुरू किया था और तभी मैंने बीच में भी आप लोगों को बोला था वो what is interjection during the tenses also I had taught you. So it is about interjection. Interjection हम किसे बोलते हैं So interjection is the sudden and on the spot reaction of something for example suppose you observe a very beautiful painting then you may say wow wonderful कोई आप ऐसी अच्छी सी painting देख लेते हो और suddenly आपके mind में से अंदर से ही आपके soul में से जो आवाज़ आ जाती है wow wonderful it means आपने ये सोचा नहीं है कि चलो मैंने ये painting देखी बहुत ही अच्छी है तो चलो मैं ऐसे wow बोलूँ no that is on the spot reaction आपसे अंदर से ही ऐसे हो जाता है दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड दैट इज ऑन द स्पॉट एंड दैट इज इवन वेरी नेचुरल ऑल्सो दैट इज नॉट सो फेक और आर्टिफिशियल हमसे ऐसे नेचुरली ही ऑन द स्पॉट हो जाता है सो दैट इज इंटरजेक्शन सो आफ्टर इंटरजेक्शंस वी कैन यूज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क मेजोरिटीली आई थिंक यू हैव ऑब्जर्व दिस थिंग्स कि वाओ then wonderful so ऐसे जो कोई words है alas तो ऐसे जो कोई भी words है alas है वो sorrow का expression present करता है तो ऐसे जो कोई भी words है उसके लिए आपने ऐसे find किया होगा कि हम ऐसे exclamation mark वहाँ पर use कर सकते हैं After phrases and sentences expressing sudden emotion or wish हमारी जो sudden expression है हमारी जो sudden wish है उसे express करने के लिए हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हैं उसका साइन यहाँ पे आपको दिया गया है फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अलास ओ डियर सो ये जो है वो सभी हमारे सडन एक्सप्रेशन है सो उसके लिए हम ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ओ गॉड ओ माई गॉड सो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स ऑल्सो यू मे यूज नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज इन्वर्टेड कोमास वेरी सिंपली वी कैन से स्टूडेंट्स आई थिंक यू आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दिस पंक्चुएशन मार्क ऑल्सो दैट इज इन्वर्टेड कोमा इस पंक्चुएशन के बारे में आप लोग आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि जो कोई स्टेटमेंट हो कोई भी आपको कोटेशन के फॉर्म में अगर आप उसे मेंशन करना चाहते हो या फिर किसी ने वो ऑलरेडी वो किसी के द्वारा वो स्पोकन है वो स्टेटमेंट सो आप उसे कोटेशन में यूज़ कर सकते हो और इसके लिए फॉर दैट यू कैन यूज़ इन्वर्टेड कोमास ओके सो इन्वर्टेड कोमास एक्चुअली इन्वर्टेड कोमास आर यूज्ड टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर और अ कोटेशन फॉर एग्जाम्पल आई वुड रादर डाई He exclaimed then join the oppressors of my country. Actually when we need to mention the exactly spoken words by someone. किसी के द्वारा बोले जाने वाले कोई प्रॉपर परफेक्ट वर्ड्स को हम जब मेंशन करना चाहते हैं तो हम उसे कोटेशन में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स दिए गए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल आई वुड रादर डाई ही एक्सक्लेम्ड देन जॉइन द ऑपरेजर्स ऑफ माय कंट्री मीन्स यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स जो है वो किसी ने स्पोकन किए हुए हैं किसी के द्वारा ये सेंटेंसेस बोले गए हैं सो दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन यूज्ड हियर इन्वर्टेड कोमा वी कैन से दैट फॉर द कोटेशन वी कैन यूज दिस इन्वर्टेड कोमा एज द पंक्चुएशन मार्क एंड द साइन ऑफ दिस इन्वर्टेड कोमा इज गिवन हियर स्टूडेंट्स Okay, students, so now the next punctuation mark that we are going to discuss, that is the question mark. और उसका sign जो है वो तो आपके लिए बहुत ही familiar हो चुका है because whenever you actually, for the time you started your study, I think this punctuation is very much familiar for you कि जब भी आप ये sign देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि कोई question यहाँ पे पूछा गया है. So you are right, student, yes. Because this is question mark and that's why it indicates the kind of
क्वेश्चन कि कुछ हमें पूछा गया है या फिर हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं. सपोज वी वॉन्ट टू आस्क समथिंग टू समवन, व्हेन वी नीड टू मैंशन द क्वेश्चन एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस क्वेश्चन मार्क दैट इज यूज instead of the full stop after a direct question. For example, have you finished writing? Means actually that is not the simple statement. आप जो normal statement हम जो use करते हैं वो ये normal statement नहीं है कि जिसके बाद हम ऐसे full stop use कर सके. But it is about the questions. If we have asked the questions, if we are going to ask the questions, then at that time we can use question mark. अगर सिंपल स्टेटमेंट है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं एट द एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट. बट इट इज़ नॉट सो सिंपल. वी आर गोइंग टू आस्क समथिंग देन एट द एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क. वहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क रखना चाहिए, हमें रखना पड़ता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो स्टेटमेंट को हम एंड अप करते हैं एट दैट टाइम. सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस पंक्चुएशन मार्क, द क्वेश्चन मार्क दैट इज. Then next we are going to discuss that is the full stop. The next punctuation mark यहाँ पे जो हम discuss कर रहे हैं वो है full stop. That is also very familiar students for you. When we end up for any kind of thought, जब हम कोई thought complete करते हैं then we can use full stop. Whenever we complete the kind of statement that also at that time also we can use full stop. Actually the full stop is used to mark the end of a declarative or an imperative sentence. Okay, it represents the greatest pose. For example, Rohan, Vinay and Sabai are best friends. In passage wherever you find full stop while speaking also it presents a kind of स्ट्रॉन्ग पोज. वो बहुत ही तरह का स्ट्रॉन्ग पोज जो है उसे मैंशन करता है. मतलब कोई पैराग्राफ भी अगर आप रीड कर रहे हो पर उसमें अगर फुल स्टॉप आ जाता है सो कंपैरेटिवली विद द कंपैरिजन टू कोमा कॉलन सेमी कॉलन आप इसमें एक बड़ा सा पोज लेंगे बिकॉज इट प्रेजेंट्स दिस काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पे एक पोज भी आता है और एक स्टेटमेंट का यहाँ पर एक कंप्लीशन होता है. दैट्स वाई इट प्रेजेंट्स द काइंड ऑफ एंड ऑफ द स्टेटमेंट कि वहाँ पे एक जो थॉट होता है वो कंप्लीट होता ही है. देन ओनली वी कैन यूज द फुल स्टॉप एंड दैट्स वाई इट प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट पोज. Okay students, so it was today the discussion about the punctuation marks. Okay, I hope that you could understand well, but suppose you find any difficulty, any problem, then you are free to ask me about those things. Few of them are very familiar for you, like full stop, question mark, exclamation mark. These are I think very much familiar for you students, but some of them are required to be learned, and that's why I appeal you students to learn it well. Okay students, take care of your health. Thank you. Have a nice day and do this homework well.